So, are you ready to do the entire thing with two variables, this time with slope as well? To be honest, मैं डरा रहा हूँ बस इतना कुछ difficult है नहीं. Since पहली बार मैं कर लिया, अब अगली बार इतना difficult लगेगा नहीं. So, we are just not having this assumption of m is equal to 1. So, that leaves us with two variables. अगर हमारे को एक line का equation निकालना है, तो अब हमको दो चीजें निकालनी है, m भी और b भी, right? बिल्कुल same है, कुछ different नहीं है, same set of steps, okay? So the first thing that you will do is, you know how to calculate SS? It's PY1 minus AY1 whole square plus PY2 minus AY2 whole square plus PY3 minus AY3 whole square, right? This is the equation. You know this, that this is the predicted one, this is the actual one, right? And you know ki predicted wale ko calculate karne ka formula comes from here. Last time hum logo ne x plus b likha tha because n ka value 1 tha, but is baar hum n x plus b likhenge. So this will be equal to, see, this will be mx plus b, since the value of x for the first point is 8, this will become, I'll write it again, this will become 8m plus b minus the predicted, the actual value, that is 15 whole square plus this will be the second time 24m plus b minus 25 whole square or plus last mein aayega, I'm sorry, actually मैंने 24 वाला पहले लिख दिया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18m plus b minus 30 whole square, right? So this is the equation. अब हम क्या करेंगे? We'll again try to fill in some values. Let's हम start करते हैं m is equal to 0 या m is equal to 1 और b is equal to 0 से. ये values को हम जैसे यहाँ पे fill करेंगे, हमको एक value मिलेगा SS का. फिर हम स्लोप और बी का वैल्यू को चेंज करते जाएंगे तो हम एक इस तरह का टेबल बना पाएंगे एम बी एस एस, जैसे हमने लास्ट टाइम सिर्फ बी और एस एस का बनाया था. अब खुद सोच के देखो, पिछली बार जब हमने बी और एस एस बनाया था, हमने एक 2D ग्राफ बनाया था जहां पे एक्स एक्सिस पे बी था, वाई एक्सिस पे एस एस था. अब खुद सोचो, दिस टाइम सिंस देयर इज अ वैल्यू फॉर एम, इट विल बी अ 3D ग्राफ लाइक दिस एंड दिस विल बी एम. अब खुद सोच के देखो, अगर लास्ट टाइम सिर्फ बी और एस एस के लिए हमारा लॉस फंक्शन का कर्व कुछ ऐसा आ रहा था, नाउ इमेजिन इस बार आपका लॉस फंक्शन इज एक्चुअली अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स एम एंड बी. एम पे भी डिपेंड कर रहा है, बी पे भी डिपेंड कर रहा है, राइट? इसलिए ग्राफ 3D में आएगा. और खुद सोच के देखो, अगर 2D में ग्राफ ऐसा है तो 3D में कैसा होगा? So, अगर तुम एक बार इमेजिन करोगे, इट्स नॉट डिफिकल्ट. इमेजिन दिस थिंग, दिस थिंग इज लाइक अ वैली, राइट? इट्स लाइक अ वैली. इमेजिन अ वैली इन 3D, लाइक चारों तरफ से इस तरीके से, लाइक एक पहाड़ इमेजिन करो, उसको उल्टा कर दो, ये रहा ग्राफ, ठीक है? सो अब हम फिर से क्या करने वाले, सिंस दिस टाइम दिस इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, हम इस लॉस फंक्शन का इक्वेशन निकालेंगे, राइट? इक्वेशन निकाल के हम उसका डेरिवेटिव निकालेंगे और डेरिवेटिव निकाल करके हम अलग अलग वैल्यूज डालेंगे एम और बी का एंड विल फाइंड आउट द मिनिमा, द पॉइंट जहां पे स्लोप का वैल्यू सबसे कम है, राइट? दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. द ओनली प्रॉब्लम दिस टाइम अराउंड इज दैट इट्स अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, राइट? यही बस एक प्रॉब्लम आ गया. सो इस पॉइंट पे ये रहा मेरा इक्वेशन. सोच के देखो, यही तो मेरा इक्वेशन बना एस एस का. दिस इज द इक्वेशन एस एस का, राइट? सोच के देखो, अगर तुम यहां पे एम को एक्स मान लो, बी को वाई मान लो, मतलब जस्ट जैसे तुमने बचपन में मैथ्स में पढ़ा था, तो ये एक्स और वाई के टर्म्स में एक इक्वेशन बन जाएगा, राइट? सो अब बस मुझे क्या करना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है. अब द प्रॉब्लम विथ दिस डिफ्रेंशिएशन इज, आई डोंट नो तुमने कभी इस तरह से किया है कि नहीं,
अगर तुमको इसको डिफरेंशिएट करना है तो इसको बोलते हैं पार्शियल डेरिवेटिव। एक बार तुम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे, दूसरी बार तुम y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे। जब तुम x के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो y को कांस्टेंट मानोगे, और जब y के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो x को कांस्टेंट मानोगे। So, हम भी यही करने वाले हैं, हम इस इक्वेशन का पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एम एंड विथ रिस्पेक्ट टू बी, अगेन यूजिंग चेन रूल। ठीक है, सो थोड़ा सा स्पेस चाहिए पड़ेगा अपने को। अब मेरे को नहीं लगता इस ग्राफ का हमें जरूरत है, सो आई विल रिमूव दिस एंटायर थिंग एंड देन सो नाउ वी विल कैलकुलेट द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन With respect to both intercept and slope. So, एक काम करते हैं, पहले let's calculate this for the intercept value. Okay? So, again पहले की तरह हर टर्म के लिए अलग अलग निकालेंगे. So, for the first term, let's say this one, df by dv would be 2 multiplied by 8m plus b minus 15, right? Multiplied by d by dv of this entire term, which is 8m, actually we hata rahe the, 8m plus b minus 15, right? Ab kuch soch ke dekho, jab hum d by dv kar rahe hain to m will be considered as a constant, so will this term will be, ab ye 0 ho gaya, ye 0 ho gaya, iska d by dv would be 1, so basically this entire term will be this. राइट, आप मल्टीप्लाई करके यू कैन अरेंज। सेकेंड वाले पे फोकस करते हैं, और इनफैक्ट एक काम करते हैं, इसको यहां पे लिख देते हैं, इट्स गोइंग टू बी 2 8 m प्लस b माइनस 15 प्लस, आगे हम लिखेंगे। अब सेकेंड वाले को कैलकुलेट करते हैं, सेकेंड वाला विल अगेन बी 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 m प्लस b माइनस 25, फिर से इस पूरे टर्म का जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर से 1 ही आएगा, सो फिर से इसको यहां पे लिख देते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 24 एम प्लस बी माइनस 25 प्लस, आगे हम लोग कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, सो आगे वाला हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 18 एम प्लस बी माइनस 30, राइट, ये हो गया अपना दिस टर्म डी एफ बाई डी बी, राइट। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, डी डी एफ बाई डी एम निकालेंगे, सो विल कैलकुलेट डी एफ बाई डी एम, एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, फिर से पूरा टर्म आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय 8m प्लस बी माइनस 15, अब इस बार b को कांस्टेंट, 15 को कांस्टेंट, तो ये आ जाएगा 8, सो दिस वुड बिकम 16 प्लस, बस बेसिकली मल्टीप्लाई होता जाएगा, दिस विल बिकम 48 ऑफ 24m प्लस b माइनस 25 प्लस द लास्ट वुड बी 36 मल्टीप्लाइड बाय 18m प्लस b माइनस 30, और ये हो गया मेरा सेकेंड चीज डीएफ बाई डीएम डीएफ बाई डी। अब बस कुछ नहीं करना, अब हम लोग क्या करेंगे, आई रिमूव दिस पार्ट, हम दोनों इक्वेशंस पे अलग अलग काम करेंगे। ठीक है, सो इनिशियली स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या मान लेंगे कि m का वैल्यू इज 1, b का वैल्यू इज 0, और ये वैल्यूज मैं दोनों जगह पे प्लग इन कर दूंगा, इस जगह पे भी इस जगह पे भी, सो आई गेट सम वैल्यू of this ss dash for b, some value let's say हमको मिला 50, और similarly यहां पर भी ss dash for m निकलेगा, let's say निकल के आया 7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, दोनों के लिए हम स्टेप साइज कैलकुलेट करेंगे, इसके लिए भी स्टेप साइज कैलकुलेट करेंगे और इसके लिए भी स्टेप साइज कैलकुलेट करेंगे, एंड यू नो स्टेप साइज कैसे कैलकुलेट होता है, ये जो नंबर आया है इसको मल्टीप्लाई कर दो लर्निंग रेट से। ठीक है,
तो ये नया वैल्यू ऑफ इंटरसेप्ट आएगा, ये नया वैल्यू ऑफ एम आएगा और उसको ओल्ड वाले से माइनस कर दोगे स्टेप साइज को, तो हमको न्यू वाला वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, सो फिर ऐसा करने से मुझे एक नया वैल्यू मिलेगा एम का और फिर एक नया वैल्यू मिलेगा बी का, फिर उसको यहां पर डालेंगे, फिर एक एक वैल्यू आएगा, फिर उसको लर्निंग रेट से मल्टीप्लाई करके स्टेप साइज निकालेंगे, फिर नया इंटरसेप्ट नया स्लोप करते जाएंगे करते जाएंगे। कब तक? जब तक दोनों का स्टेप साइज 0.001 से कम नहीं हो जाता, या फिर ये पूरा काम आपने हजार बार नहीं कर दिया। और जैसे तुम ये दोनों में से कोई भी एक काम या दोनों काम करोगे, तुमको एम और बी का ऐसा वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए तुम इस 3D फंक्शन के मिनिमा तक रीच कर चुके हो। ठीक है, सो आई डोंट नो कितना समझ में आया, आई होप समझ में आ पाया होगा। अगर पहले वाला समझ में आया तो इट्स जस्ट जैसे तुम्हारे पास एक से ज्यादा डेरिवेटिव है, तुम जो काम तुमने पहले किया वो दोनों के लिए करने लग जाते हो, और दोनों के लिए मेरे पास एम और बी का वैल्यू आते रहता है और वही मैं वापस बिठाते रहता हूँ। यू मस्ट हैव नोटिस, दोनों को एम और बी चाहिए, दोनों को एम और बी चाहिए। तो जैसे ही तुम स्टेप साइज लगा के एक नया कैलकुलेट करते हो, नया इंटरसेप्ट और नया स्लोप, दोनों को देते हो। ठीक है, एक चीज यहाँ पे वर्थ नोटिंग इज कि जब भी तुम्हारे एक फंक्शन का एक से ज्यादा डेरिवेटिव होता है उसको हम ग्रेडियंट्स बोलते हैं रादर देन कॉलिंग इट डेरिवेटिव, वी कॉल इट ग्रेडियंट। सो यहां पर ये जो दिख रहा है ये ग्रेडियंट है, और सिंस हम इन दोनों ग्रेडियंट्स एक्चुअली इस ग्रेडियंट को यूज करके इस लॉस फंक्शन के मिनिमा तक पहुंचना चाह रहे हैं, डिसेंड करना चाह रहे हैं, उतरना चाह रहे हैं, इसीलिए इस एल्गोरिथम को हम ग्रेडियंट डिसेंड बोलते हैं। ठीक है, अब आई होप अगर ये वैल्यूज और बढ़ जाए, तीन डेरिवेटिव हो जाए, चार डेरिवेटिव हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सारा काम चार बार करो, एम और बी का वैल्यू हर स्टेप में निकालते जाओ यूजिंग स्टेप साइज और वापस प्लग इन करते जाओ, कितनी बार, हजार बार, या जब तक स्टेप साइज का वैल्यू 0.001 से कम ना हो जाए। ठीक है, सो आई होप क्लियर है। देखो अगर एक बार में क्लियर नहीं हो रहा है तो आई वुड रिकमेंड एक बार और देखो, फॉर श्योर समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ब्रेक डाउन किया पूरी चीज को, इसलिए वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया, बट आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।